ಬೀದರ್ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 24 ನಾಗರಿಕರು ಮಹಿಳೆಯರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಗಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಭದ್ರೋದಿನ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಖಾಲಿ ಕೊಡಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಫರ್ ಹಜ್ಮಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಭದ್ರೋದಿನ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸಿಸಿ ರೋಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡಲೇ ಶಾಸಕ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬಡಾವಣೆಯವರು E7 ನ್ಯೂಸ್ನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. यहाँ पर 3-4 साल से इतना पानी का रोड का हर चीज़ का मसला पैदा हो चुका है. अरबा में बोल दिया कि कई बार हमने दरख्वास्त दिया है लेकिन कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं. हम कई बार कंप्लेंट करें, हमारे एरिया के काउंसलर से भी रिक्वेस्ट करें, लेकिन ख़ासकर मैं रहीम खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारे यहाँ आकर पानी के मसले को, रोड के और नलों का मसले को जल्द से जल्द हल करें, क्योंकि अभी तो गर्मा की शुरुआत है, शुरुआत में ही यह हालत है. लोगों को पीने के पानी के लिए कई दूर तक जाना पड़ रहा है, एक एक घड़े पानी के लिए. अब आकर बहुत से हम कई बार अरबाज मोहताज को हम रिक्वेस्ट करें, अप्लीकेशन दिए, सिर्फ वो लोग हमको एक झूठा तयखुन दे के हमको चले जा रहे हैं. हम कई बार बल्दिया ऑफिस को गए, वहाँ पर गए, लेकिन कोई हमारे पास तवज्जो नहीं दे रहा है. क्या इस एरिए के हम रहीम खान साहब को हम बिल्कुल बहुत सी इससे गुजारिश कर रहे हैं, आके हमारे पास जल्द से जल्द रोडों का एक, जहाँ पर लोग नहीं हैं वहाँ पर रोडें बन गई हैं, लेकिन हमारे पास इतना कंजस्टेड एरिया है, रोड छोटे छोटे हैं, या फिर बारिश में इतना बड़ा मसला पैदा हो जाता है, जगह जगह पानी ठहर के आने जाने के लिए तकलीफ़ होती है, पानी का बोर भी सूख चुका है, एक एक घड़े के पानी के लिए बहुत तरस रहे हैं लोग. यहाँ पर पानी के लिए जो 24/7 का जो कनेक्शन दिए सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए टैप लगा के चले गए हैं. अभी उधर लूपिंग करना है, 150-200 फीट का डिस्टेंस रख के उधर कॉलोनी के एरिया को बिल्कुल डिवाइड कर दिए हैं. पानी का बहुत तकलीफ़ हो रही है. रहीम खान से बार बार गुजारिश हो रही है और फातिमा मैडम को और बल्दिया के कमिश्नर साहब को भी हमने कई बार उसके लिए अप्लीकेशन दिए हैं, लिखा है, लेकिन यहाँ लोटों पोल जो है सो लाइट नहीं है, पोलों के अंधेरा है, छोटी गली है, लोग परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, पानी कीचड़ रोडों पे पड़ता है. एक छोटे से मसले के लिए इतना पेंडिंग डालती हैं लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं है. या आखिर क्या वजह है हमारी कॉलोनी को इस तरह अलग से कर दिया है? पानी के लिए तो बहुत ही तकलीफ हो रही है. अभी तो फरवरी का स्टार्टिंग महीना है, पानी के लिए लोग कहाँ जाएंगे? ना घरों में पानी है, ना बोलियाँ तो बिल्कुल सूख चुकी हैं, जो बोर है उसमें भी पानी ख़त्म हो गया है. अब अभी बताइए, आके जल्द से जल्द हमारी मेरी रिक्वेस्ट है रहीम खान साहब को स्पेशली के आके रोड का, नल का, पानी का इंतज़ाम कर दिए. बहुत मेहरबानी होगी रहीम खान साहब की अगर हमारे पर तवज्जो दे. ಮೇಲಿನ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ CMCಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ನಾವು. ಇದೇ ನಳ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಳದ ನೀರಿಲ್ಲ, ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತಕ್ಕಾರ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು. ಮೇರಾ ನಾಮ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸುದ್ದೀನ್ ಹೈ. ಯೇ 24 ಅವರ್ಸ್ ಕಾ ಜೋ ನಲ್ ಬನಾಯೆ ಲಗಾಯೆ ಹೈ, ಜೋ ಮೀಟರ್ ವಗೈರಾ ಬನಾ ಕೆ ಏಕ್ ಝೂಟಿ ತಸಲ್ಲಿ ಲೋಗೋ ಕೋ ದೇ ರಹೆ ಹೈ. और जैसा कि गले में पानी पीने के लिए रखते हैं गले में, मगर पानी नहीं रहता. लोग आके देखते हैं, कैसा आके गले में गिलास डाल के देखता है तो पानी नहीं रहता, उसको इतना अफसोस होता है. वैसे ही हमको कनेक्शन दे के हमको इतना अफसोस में रखे हैं ये लोग. और जो भी बल्दिया के कई बार हम अप्लीकेशन दे चुके हैं और कई बार पानी के लिए, लाइट के लिए कोई तवज्जो नहीं देते बिल्कुल. ये बिदर में नहीं है जैसा है, गली हमारी एक बिल्कुल एक सौंतला सलूक कर रहे हैं हमारे से. और बल्दिया कमिश्नर और तो रहीम खान साहब भी हमारे लिए बहुत ही सौंतला सलूक कर रहे हैं. खाली वोट के लिए उनके घरों वाले आते हैं, उनके टीम आती है, वोट मांगती है, मगर ये काम नहीं करती. बुनियादी सहूलतों से हमें महरूम रख रहे हैं और बुनियादी सहूलतों से महरूम रख कर वो लोग भी खुश नहीं रह सकते आगे. और मेरी गुजारिश है कि बल्दिया कमिश्नर और PD अब इस वक्त इंचार्ज PD है, उससे भी गुजारिश है और रहीम खान साहब से भी मेरी गुजारिश है और आला अहदेदार जो AEE जो है उनसे भी गुजारिश है कि आए और जल्द से जल्द यहाँ के काम को निपटा लें और लोगों की जो सहूलतों से महरूम है उनको उससे नवाजें पानी से भी. और ये तो अल्लाह की देन है, पानी इनके बस की बात भी नहीं है, नहीं दे सकते ये पानी. मगर जब अल्लाह ताला जब पानी रखा है ज़मीन के अंदर तो ये लोग हमको उस चीज़ से महरूम कर रहे हैं. और मेरी गुजारिश है कि रहीम खान साहब भी इधर तवज्जो दें और हर
अहदेदार जो पानी के वाटर सप्लाई वो सब लोगों से, और कम से कम ये ना हो सके तो कम से कम गाड़ियाँ तो भिजाएं पानी के लिए, लोग बहुत परेशान हाल है। मेरा नाम नसरीन जहाँ है, मैं मखदूम जी खादरी कॉलोनी में रहती हूँ। यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है पानी की। अभी तो स्टार्टिंग है धूप काला, तो ये हालत है। अभी आगे क्या होगा कि यहाँ पर पानी के लिए हमारे लिए मदद कीजिए, पानी का काम करें।